हाय फ्रेंड, आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 400 वाट लैंप का HPSB लैंप का कैसे कनेक्शन करते हैं उसमें मैंने बताया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लैंप, चोक, इग्निटर और कैपेसिटर का क्या रोल है वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये आपका लैंप पे आता हूँ। ये HPSB लैंप है, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, देख सकते हैं हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप है। इसमें यूट्यूब के आकार का ये रहता है, इसमें साइड में होल्डर लगा रहता है, देख सकते हैं। और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं टंगस्टन के, एक ये और एक ये, दो ये दूसरे इलेक्ट्रोड से अपना जो ट्यूब है बीच में ये जुड़ा रहता है। ये ट्यूब में दो गैसें भरी रहती हैं, नियॉन गैस और सोडियम गैस। नियॉन गैस और सोडियम गैस ये दोनों जो है वाष्पित के सिद्धांत पे काम करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड है गैस जो है ये वाष्पित जब होने लगती हैं उसी वाष्पित के कारण ये लाइट देती हैं हमें, इस सिद्धांत पे काम करते हैं। ये बाहर का जो एरिया है, ये जो बाहर का एरिया है ये निर्यात है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई गैस नहीं है। गैस इसलिए नहीं है करके ताकि गैस इसलिए नहीं दिया जाता है ताकि कोई से बाहर से टेम्परेचर आए या फायर आए ताकि ये ब्लास्ट ना हो, या फिर अंदर के टेम्परेचर से इसको कोई नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए ये बाहर का जो एरिया है, इसके बाहर के एरिया का वो निर्यात रखा जाता है। उसके बाद हम आपको आते हैं चोक एक कॉयल की तरह रहता है, प्रेरक या इसको ब्लास्ट भी कहते हैं, ये कॉयल की तरह है। ये क्या करता है, ये वोल्टेज को हाई करता है, वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। जैसे हम इसमें सप्लाई देते हैं, देख सकते हैं ये फेस सप्लाई दे रहे हैं, जैसे इस सप्लाई कर देते हैं कॉमन अपना चला जाता है लैंप को, जैसे ही हम सप्लाई देते हैं उस टाइम इसका जो वोल्टेज रहता है वो 300 से 400 दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, 300 से 400 के बीच मिलता है। लेकिन ये लोड होने के कारण, क्योंकि इसमें एक्चुअली ट्यूब में नियॉन और सोडियम गैस भरा हुआ है, इसीलिए लोड होने के कारण ये वोल्टेज जो है धीरे 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 कम होने लगता है। इन दोनों के इलेक्ट्रोड के बीच धीरे धीरे वोल्टेज कम होने लगता है। उस वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं, क्योंकि जो हमारा वोल्टेज धीरे 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 लैंप को चालू होने में कम से कम हमको 5 से 10 मिनट लगता है, 5 से 10 मिनट लगता है। उस कंडीशन में वोल्टेज जो है हमारा 110 तक पहुंचने लगता है, 110, 15, 150 ऐसा पहुंचने लगता है। उसको मेंटेन के लिए, वोल्टेज को मेंटेन के लिए ये हमारा कैपेसिटर लगा रहता है ताकि वोल्टेज मेंटेन हो और पावर फैक्टर हमारा सही रहे। उसके बाद हमारा इग्निटर है, इग्निटर का काम है इग्निट करना या फायर करना, एक हिसाब से हिंदी में बोले तो फायर करना। इग्निटर का 3 लीड रहता है, RYB, देख सकते हैं। R को हम 220 से दे दिए, Y को दे दिए 220 से, और कॉपर को हम डायरेक्ट न्यूट्रल से दे देते हैं। और जो हमारा कैपेसिटर रहता है उसको पैरेलल में जोड़ देते हैं। जैसे हम फेस और न्यूट्रल देते हैं वैसे हमारा सप्लाई, फेस सप्लाई जाता है चोक में और चोक से कॉमन में जाता है। जब चोक से हमारा कॉमन में जाता है, कॉमन पॉइंट का जाता है लैंप में, उस समय इलेक्ट्रोड के बीच में बहुत हाई वोल्टेज आता है, 300 से 400। चूँकि लैंप को चालू होने में, HPSB लैंप को चालू होने में 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, उस समय क्या होता है, जो वोल्टेज जनरेट होता है हमारा, जो वोल्टेज जनरेट होता है यहाँ से निकलता है कॉमन से, वो डिस्क्रीज होने लगता है। उस डिस्क्रीज होने के लिए हम यहाँ पास वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए कैपेसिटर लगाते हैं ताकि हमारा जो वोल्टेज है वो सही रहे। और चोक का क्या काम है, दूसरा एक ब्लास्ट का काम तो करता ही है, स्टार्टिंग वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, उसके साथ साथ एक सीमित धारा को प्रवाहित करने के लिए भी काम करता है, एक बैलेंस रूप में काम कर बैलेंस बना के ये सर्किट में करंट को फ्लो करने के भी काम करता है। आप लोग को मेरा फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।